अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन। जी क्लास, लास्ट डे हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1-2 किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट करके अपने चैप्टर का काम इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। टेक आउट योर इंग्लिश कॉपीज ऑल ऑफ यू एंड ओपन अ न्यू पेज। ऑल्सो मेंशन अ डेट एंड डे और Your copies, new page. अपनी इंग्लिश की कॉपीज निकालिए, कॉपी नंबर 4 ओपन, न्यू पेज ओपन कीजिए। न्यू पेज ओपन करने के बाद उस पेज पर सब अपना डेट एंड डे मेंशन करेंगे। जी क्लास, द क्वेश्चन नंबर 3 इज हु गेव फायजा सम केक एंड बिस्किट्स। Who gave Faiza some cake and biscuits? Faiza को cakes और biscuits किसने दिए थे? Yes class, the little girl gave Faiza some cake and biscuit. The little girl gave Faiza some cakes and biscuit. Little girl class जो अपनी family के साथ restaurant में आई थी, उस little girl ने क्या किया था? जब उसकी party खत्म हुई तो उसने Faiza को कुछ cakes और biscuits दिए थे। The question number 4 is What did Faiza do the next morning? Faiza ने next morning क्या किया? मतलब Faiza ने दूसरी सुबह क्या किया? याद का समय याद होगा, हमने जब अपना chapter read किया था तो उसमें Faiza ने cakes खा लिए थे because she was hungry, क्योंकि वो hungry थी। biscuits का उसने क्या किया था? अपने head पर एक basket रखी, उसमें उसने biscuits रखे और उस biscuits को sold out कर दिया था। Yes, the answer of this question is Faiza sold the biscuits outside school. Faiza sold the biscuits outside a school. After completing the question answer, दोनों question complete करने के बाद आपने क्या करना है? Next page पे आना है class. Sorry. Next page पे आने के बाद आपने क्या करना है? Word sentences. अपना पेज मेंटेन करना है विद डेट एंड डे। न्यू पेज पर डेट एंड डे डाल के अपना पेज मेंटेन करना है। उसके बाद हम लाइनिंग ड्रॉ करेंगे बिल्कुल एज इट इज, वैसी जैसे हमने वर्ड्स मीनिंग में लाइंस ड्रॉ की थी। वर्ड्स मीनिंग में जिस तरह हमने अपनी लाइंस ड्रॉ करी थी एज इट इज, हम वैसी ही लाइंस ड्रॉ करेंगे वर्ड सेंटेंसेस को अंदर। अपने पेज को 2 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। एक कॉलम लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा पतला होगा और राइट हैंड साइड वाला कॉलम हमारा थोड़ा सा चौड़ा होगा। ओके, वर्ड यानी जो पतला कॉलम है हमारा उसमें हमने लिखना है वर्ड, जो चौड़ा वाला कॉलम है उसमें हमें लिखना है सेंटेंसेस। ओके, द वर्ड नंबर 1 इज गिव अप। क्लास, ये जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं सेंटेंसेस के, ये हमारे फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं? वो वर्ड होते हैं जिनके एक्चुअल मीनिंग नहीं होती, उनके मीनिंग्स चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड है हमारा गिव अप। डोंट गिव अप योर नमाज। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना या हार मान लेना। सेंटेंस के लिहाज से इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, तो डोंट गिव अप your namaz. Don't give up your namaz.
नंबर टू होल्ड ऑन, नंबर टू क्लास होल्ड ऑन मीन्स आपको कोई भी चीज पकड़ के रखनी है ध्यान से. द सेंटेंस ऑफ होल्ड ऑन इज होल्ड ऑन योर टिकट, होल्ड ऑन योर टिकट, होल्ड ऑन योर टिकट, यानी अपना टिकट ध्यान से पकड़ के रखिए. वर्ड नंबर थ्री इज पुल आउट, वर्ड नंबर थ्री इज पुल आउट. पुल आउट मीन्स फौरन से कोई भी चीज निकाल लेना. केयरफुली पुल आउट द सेंटर पेज, केयरफुली पुल आउट द सेंटर पेज. लाफ एट, किसी पर हंसना. डोंट लाफ एट पुअर पीपल, डोंट लाफ एट पुअर पीपल. नंबर फाइव टेक अवे, टेक अवे. द सेंटेंस ऑफ टेक अवे, टेक अवे द ग्लासेस एंड द ट्रे, टेक अवे द ग्लासेस एंड द ट्रे. व्हेन यू हैव कंप्लीट द वंस वर्ड सेंटेंसेस कीप योर कॉपी एट साइट, अपनी कॉपी को एक साइट पे रखिए क्लास. And open our textbook page number 5. अब हमने क्या करना है, textbook की exercise करनी है. Textbook page number 5. Keep your copies at side. अपनी copies को side पे रखना है class. और हमें क्या करना है, textbook की page number 5 open करना है. क्लास वहां पर आपको एक एक्सरसाइज दिख रही होगी वर्किंग विद वर्ड्स, ठीक है. इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, वर्ड्स को फाइंड आउट करना है. बट वो वर्ड कौन से होंगे, दे ऑल बिगिन विद बो, जो सारे के सारे किससे शुरू होंगे, बी ओ लेटर से शुरू होंगे. यहाँ पर आपके पास फोर हिंट्स दी हुई हैं, आपको नजर आ रहा होगा. ये देखिए मेरे माउस पॉइंटर से ए बी सी डी, जी क्लास ये फोर हिंट्स दी हुई हैं. इन फोर हिंट्स के थ्रू हमें वो वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जो बिगिन करेंगे, मतलब स्टार्ट होंगे बी ओ लेटर से. कौन से लेटर से स्टार्ट होंगे, बी ओ लेटर से. तो लेट्स डू इट, चलें इसको करते हैं. ए हिंट है हमारे पास, दिस इज मेड ऑफ ग्लास एंड होल्ड्स लिक्विड. दिस इज मेड ऑफ ग्लास, ऐसी चीज जो कांच की बनी हुई होगी, होल्ड लिक्विड्स और उसके अंदर हम कोई भी लिक्विड चीज रख सकते हैं. हाँ जी, तो वो क्या होगी, बॉटल. क्या होगी क्लास, बॉटल, B O T T L E, bottle. B O T T L E, bottle. Hint number two is there are some inside your body. There are some inside your body. वो ऐसी चीज है, क्वांटिटी में ज्यादा, और वो सब कहाँ है, हमारी बॉडी के अंदर. ऐसी कौन सी चीज है जो क्वांटिटी में ज्यादा है, हमारी बॉडी के अंदर होती है और बी ओ से शुरू होती है. यस, बोन्स, बी ओ एन ई एस, बोन्स. क्या है क्लास, बी ओ
N-E-S, bones. C is not a girl, वो girl नहीं है. Not a man, वो man भी नहीं है. और not a woman, वो औरत भी नहीं है. तो ऐसे कौन सा जेंडर बचता है? गर्ल भी नहीं है, आदमी भी नहीं है, औरत भी नहीं है. बी ओ से शुरू होगा. एग्जैक्टली, बॉय. बी ओ वाई, बॉय. स्ट्रॉन्ग एंड फुल ऑफ करेज, मजबूत और अपने इरादों का पक्का. ऐसा कौन सा होगा? यस, बोल्ड. बी ओ एल डी, बोल्ड. क्लास, जब आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो इसको कॉपी डाउन कैसे करेंगे ये आपको मैं बताती चलूं. ओपन योर कॉपीज, सब अपनी कॉपीज खोलिए, जरा ओपन कीजिए. कॉपीज ओपन करने के बाद आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, आपने क्या करना है? क्वेश्चन लिखना है एक्सरसाइज बी इन फर्स्ट लाइन. फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन पे आपने क्वेश्चन लिखना है वर्किंग विद वर्ड्स. एक्सरसाइज बी, वर्किंग विद वर्ड्स. फिर आप क्वेश्चन उतारेंगे, व्हाट आर द वर्ड्स दे ऑल बिगिन विद बी ओ. ये क्वेश्चन उतारने के बाद जो इसके आंसर्स हैं जस्ट वो लिखने हैं. जैसे फर्स्ट का आंसर बॉटल था, बॉटल लिखा. सेकंड का आंसर बोन्स था, हमने बोन्स लिखा. सॉरी यार, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है. थ्री गायब हो गया है, फोर फाइव आ गया है, बट आप लोग सीक्वेंस ठीक कर लीजिएगा. थ्री बॉय था, वो लिखा हमने, एंड फोर बोल था, वो लिखा. अब बुक की एक और एक्सरसाइज है क्लास, बुक पेज नंबर 6. पुट कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप. एक्सरसाइज सी. एक्सरसाइज सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप के लिए. वी स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर. हम जब कभी भी अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, मतलब कोई भी बात करनी या लिखनी शुरू करते हैं, तो वो हम किससे स्टार्ट करते हैं? कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. वी एंड अ सेंटेंस विद अ फुल स्टॉप. और जब हम अपनी बात यानी अपनी जो अपना जो सेंटेंस है वो उसे एंड करते हैं, उसको लिखने में वो ख़त्म हो रहा होता है या हमारी बात का पूरा सेंस बन जाता है, वो ख़त्म होती है बात, तो वो हम क्या करते हैं? उसके आगे हम लगा देते हैं फुल स्टॉप. फुल स्टॉप क्या होता है क्लास? एक छोटा सा डॉट जिसे हम फुल स्टॉप का नाम देते हैं, उससे आइडेंटिफाई करते हैं. वी यूज अ कैपिटल लेटर फॉर नेम ऑफ पीपल एंड प्लेस. इसके अलावा हम कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ यूज करते हैं? किसी भी बंदे या पर्सन के नेम के साथ, प्लेस के नेम के साथ, डेज के नेम के साथ, कंट्री के नेम के साथ, इन तमाम नेम्स के साथ, नेम्स का जो नेम्स जो होंगे वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे. वेन एवर दे कम्स इन फर्स्ट इन सेंटेंस और लास्ट इन सेंटेंस और मिडल इन सेंटेंस, चाहे वो कहीं पर भी आए, आपके फर्स्ट सेंटेंस के फर्स्ट में, सेंटेंस के मिडिल में या सेंटेंस के लास्ट में. नाउ हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं. पुट कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप. आपने अपनी कॉपीज खोली, न्यू पेज पे डेट एंड डे मेंशन करें. फर्स्ट लाइन पे लिखिए लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. एक्सरसाइज सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. सेकेंड लाइन पर आपको क्वेश्चन उतारना है, पुट कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप. क्वेश्चन नंबर वन उतारेंगे सर, पुट कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स. अब उसके बाद क्वेश्चन उतारने के बाद जो वेरी नेक्स्ट लाइन आपकी आएगी, उसके सेंटर में आपने लिखना है आंसर्स. क्या लिखना है आपने? आंसर्स लिखना है. आंसर लिखने के बाद बेटा ये देखिए, मैंने यहाँ पर आपको टाइप किए हुए आंसर, बिल्कुल इस तरह आपने कैपिटल लेटर्स का क्वेश्चन उतारा, फिर आपने क्या किया? आंसर लिखा. अब इसके आंसर में मैंने, आपने देखा होगा, ए के अंदर जहां जहां मैंने, जैसे मिस्टर का एम है,
वो मुझे कैपिटल बनाना है तो वो मैंने ब्लू पेन से ब्लू कलर से इंडिकेट किया है। तो आपको भी क्या करना है, ये ब्लू कलर से इंडिकेट करना है ताकि आपको पता चले कि आपने सेंटेंस में ये चेंजिंग की है। मिस्टर खान वर्क इन एन ऑफिस, मिस्टर खान एक ऑफिस में वर्क करते हैं। मिस्टर खान का एम और के दोनों कैपिटल बनेंगे इस सेंटेंस में और कोई चेंज नहीं होगी। लास्ट में हमने क्या कर देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। ओके, मिस्टर खान का एम एंड के इंडिकेट हुआ है ब्लू कलर से, आपको भी ब्लू कलर से लिखना है। सिर्फ ये दोनों चेंजेस हैं इस सेंटेंस में और लास्ट में आपने फुल स्टॉप लगा देना है। ओके क्लास, अब बी पर आ जाते हैं हम। द ऑफिस वॉज इन लाहौर, फर्स्ट लेटर सेंटेंस का हमें कैपिटल बनाना है तो हमने द कैपिटल बनाया। ऑफिस वॉज इन लाहौर, लाहौर इज अ सिटी नेम, दैट्स व्हाई वी मेक एल इन कैपिटल। लाहौर जो है वो हमारा सिटी नेम है तो हम लाहौर का जो एल है वो हम क्या बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पर उसको ब्लू कलर से इंडिकेट किया हुआ है। और देन लास्ट में हमने क्या करना है, जी बिल्कुल, फुल स्टॉप लगा देना है। उसके बाद सी देखिए क्लास, वन डे मिस्टर खान वेंट टू मुल्तान। वन डे का वन कैपिटल ओ इसलिए कैपिटल बनाया बिकॉज इट्स अ बिगिनिंग वर्ड ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का शुरू का वर्ड है। फिर मिस्टर खान हमारा नेम आ गया, सो एम एंड के वी मेक कैपिटल। वेंट टू मुल्तान, मुल्तान गए, मुल्तान इज ऑल्सो अ सिटी नेम, दैट्स वाई वी मेक एम फॉर मुल्तान इज कैपिटल। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे क्लास, मुल्तान का एम कैपिटल ही बनाएंगे। नाउ डी, ही स्टेड एट द रॉयल होटल और निजामुद्दीन रोड। ही का एच इसलिए हमने बड़ा बनाया क्योंकि ये हमारे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर था, फर्स्ट वर्ड था। रॉयल होटल, रॉयल एंड होटल इट्स ऑल्सो अ नेम, ये दोनों नेम है तो रॉयल का आर भी हमारा बड़ा बनेगा, होटल का एच भी हमारा बनेगा, बड़ा बनेगा। और निजामुद्दीन रोड ये भी नेम्स हैं, दैट्स वाई एन डी आर ये सारे कैपिटल बनेंगे और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप आ जाएगा। देन ऑन मंडे ही कॉच अ प्लेन बैक टू लाहौर। ऑन, ऑन का ओ फर्स्ट लेटर है, दैट्स वाई वी मेक इट कैपिटल। मंडे इट्स अ डे नेम इसलिए हम इसका एम बड़ा बनाएंगे। उसके बाद देखिए कॉमा लगा हुआ है, हमारी ये बात यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रही है, टूट रही है, हमने कॉमा लगाया, हम दूसरी बात अगेन उसमें ज्वाइन कर रहे हैं तो हमने वो ही से शुरू किया है तो हम ही का एच जो है वो बड़ा बनाएंगे। ऑन मंडे ही कॉच अ प्लेन बैक टू लाहौर, इन लास्ट लाहौर इज सिटी नेम, लाहौर जो है वो सिटी नेम है इसलिए हम उसका एल कैपिटल बनाएंगे। ओके क्लास, इन लास्ट, लास्ट में फुल स्टॉप हमने बिल्कुल एज इट इज ब्लू कलर से लगाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑल वर्क, मुझे उम्मीद है आप सबको ये वर्क समझ में आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट यूनिट वी डन आर ऑल बुक वर्क, वर्क बुक वर्क। नेक्स्ट यूनिट में हम इंशाल्लाह ताला अपना तमाम बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।